संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भविष्य में महिलाओं को और आगे बढ़ाएगा। दार्जिलिंग के बीजेपी सांसद राजू बिस्टा ने पहाड़ी इलाके में टेट परीक्षा को लेकर GTA पर बोला हमला। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी पहला पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भविष्य में महिलाओं को और आगे बढ़ाएगा। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा ने पहाड़ी इलाके में टेट परीक्षा को लेकर GTA पर हमला बोला है। दिल्ली से सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने कहा कि पूरा राज्य भ्रष्टाचार से भरा है। वोट हासिल करने के लिए इन फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इनमें 14,000 परीक्षार्थी नकल किए गए हैं। GTA एक वैध संगठन नहीं है। सांसद ने सवाल उठाया कि यह परीक्षा कैसे करा सकते हैं, इससे कई छात्र ठगे गए हैं। उन्होंने कहा पूरे मामले को लेकर CBI के निर्देशक से लेकर राज्यपाल और यहां तक कि राज्य के शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा गया है। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के नाम CBI को मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सांसद ने कहा कि वह धोखेधड़ी का शिकार होने वाले छात्रों के पक्ष में खड़े रहेंगे। तो भी बुलाया था PWD के उन कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को भी बुलाया था, तो वो कुछ बंद करके कुछ रुका हुआ है क्योंकि पैसा उसमें ज़्यादा लगा। कॉन्ट्रैक्टर को जितना पैसा मिला था उतना ही काम करके छोड़ दिया है, तो उस काम को पूरा जो है PWD और NHAI मिलके करेगा। ये तमाम रोड जो NHAI के हैं वो PWD के पास है, जिम्मेदारी उनकी वो करते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं सुनिश्चित करूँगा कि वो काम हो जाए। प्रमोद नगर का रेल के जो समस्या उत्पन्न हुआ वो बंद कर देने के कारण देखिए ऐसे अभी वहीं के गांव के लोग मेरे से मिले और ऐसे तमाम जगह पे, मैं पीछे भी फांसीदेवा में एक जगह गया था, वहाँ पे भी यही 6-7 गांव है। जो एशियन हाईवे का है वो हमारी तरफ से यानी PWD ने NHAI को दे दिया है। पूरे पश्चिम बंगाल से 8 जगह से ये उनके पास ऑर्डर आना है। अभी 7 जगह का पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं भेजा। मैंने NHAI से स्वयं बात किया, आप सिर्फ बागडोगरा का और दार्जिलिंग का नक्सलबाड़ी का कर दो, लेकिन क्योंकि वो छोटा छोटा बजट होता है, मिनिस्ट्री लेवल तक जाने में उनको दिक्कत होती है, तो थोड़ा समय उसमें लग रहा है लगेगा। मैं ये कन्फर्म नहीं कह सकता। मैं एक सप्ताह पहले भी मैंने NHAI में बात किया था कि आप कृपया करके बाकी 7 को छोड़ के इतना ही कर दे। उन्होंने मुझे यही कहा, मैं देखता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब तक होगा। लेकिन ये जरूर है कि वो NHAI अपने पैसे से, भारत सरकार अपने पैसे से वो काम करवा रही है। रिजल्ट अभी तक नहीं निकला, बवाल तो अभी शुरू हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं तमाम दार्जिलिंग तराई डूवर्स की, विशेष करके महिलाएं, हमारी बहनों को बधाई देना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग में पहले ही दिन जो है 33% महिलाओं के लिए आरक्षण सुरक्षित किया, और मुझे लगता है ये पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे भारतवर्ष के लिए एक नई युग की शुरुआत हुई है, जहां बहनें जो है भारत के विकास में उनकी भी अग्रणीय भूमि, उनकी भी लीडरशिप सुनिश्चित होगी। मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण के लिए आज तक जो मोदी जी ने किया और अंत में आकर के जो 33% आरक्षण दिया, इससे जो है भारत का भविष्य बहुत जल्दी और उज्जवल होगा। रही बात टेट परीक्षा की, बात आपने की, देखिए पूरे पश्चिम बंगाल पॉपुलर है घोटालों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए, चाहे वो TMC हो या TMC के साथ जो जुड़ के पार्टियां काम करती है, उनका एकमात्र राज धर्म है वो है भ्रष्टाचार करो। और टेट यानी आप समझ सकते हैं एक फर्जी जो है परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कराई जाती है, मात्र जो है वोट जीतने के लिए, और 14,000 से ज़्यादा जो है युवा युवतियाँ उसमें जो है उनसे फीस लिया जाता है, उनके साथ धोखा होता है, जबकि GTA कोई लीगल बॉडी है ही नहीं, उसकी लीगल उसकी मान्यता सिर्फ TMC के अंदर है, ममता दीदी उसको मानती है, लेकिन उसके अलावा उसकी कोई मान्यता है ही नहीं।
उसके बावजूद भी वो परीक्षा कराती है, लोगों से पैसा वसूलती है, वहाँ भ्रष्टाचार होता है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, जबकि जीटीए को इस तरह की कोई अनुमति पश्चिम बंगाल सरकार जो है प्रदान नहीं करती, उसके बावजूद भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। मैंने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए कल ही जो है सीबीआई के डायरेक्टर और साथ ही पश्चिम बंगाल के हमारे गवर्नर साहब को पत्र लिखा है, और मैं बहुत जल्द जो है सीबीआई के डायरेक्टर से पर्सनली भी मिलूँगा, और जो घोटालों में लिप्त है उनके नाम भी मेरे पास है, और सारे सबूत मैं उनको अपने हाथों से दूंगा, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इसकी जांच हो और भविष्य में ऐसी घटना न घटे, ये हम सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, उन तमाम 14,000 से ज़्यादा युवा युवतियां जिनके साथ धोखा हुआ है, जिनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप सब लोग कृपया करके थाने में जाके एक एक FIR दाखिल करिए, और आगे जो है लीगल बैटल के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जो भी खर्चा होगा राजू बिष्ट अपने जेब से आपका खर्चा भरेगा, आपका केस लड़ेगा, आपके लिए एडवोकेट खड़ा करेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह का धोखा युवाओं के साथ भविष्य में न हो, इसलिए आप कृपया जा करके थाने में FIR जरूर दाखिल करें। धर्मेंद्र प्रसाद जी को आपको सूचित किया है इस बारे में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को? देखिए ये उनका विषय नहीं है, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित किया है कि पश्चिम बंगाल के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, मैंने उनको पत्र जरूर लिखा है, मैंने उनसे कहा है आप इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी करिए, अगर आप ईमानदार हैं और जो GTA में फर्जीवाड़ा हुआ है ये आपके अधीन आता है, इसलिए आप इसकी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जाँच कराएं, मैंने उनसे निवेदन किया है। परीक्षा को लेकर एक बवाल उठा है कि 21 में जो टेट परीक्षा हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। बवाल तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं तमाम दार्जिलिंग तराई डूवर्स की, विशेष करके महिलाएं, हमारी बहनों को बधाई देना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग में पहले ही दिन जो है 33% महिलाओं के लिए आरक्षण सुरक्षित किया, और मुझे लगता है ये पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे भारतवर्ष के लिए एक नई युग की शुरुआत हुई है, जहां बहनें जो है भारत के विकास में उनकी भी अग्रणीय भूमि, उनकी भी लीडरशिप सुनिश्चित होगी। मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण के लिए आज तक जो मोदी जी ने किया, और अंत में आकर के जो 33% आरक्षण दिया, इससे जो है भारत का भविष्य बहुत जल्दी और उज्जवल होगा। रही बात टेट परीक्षा की, बात आपने की, देखिए पूरे पश्चिम बंगाल पॉपुलर है घोटालों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए, चाहे वो TMC हो या TMC के साथ जो जुड़ के पार्टियां काम करती है, उनका एकमात्र राज धर्म है वो है भ्रष्टाचार करो, और टेट यानी आप समझ सकते हैं एक फर्जी जो है परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कराई जाती है, मात्र जो है वोट जीतने के लिए, और 14,000 से ज़्यादा जो है युवा युवतियां उसमें जो है उनसे फीस लिया जाता है, उनके साथ धोखा होता है, जबकि GTA कोई लीगल बॉडी है ही नहीं, उसकी लीगल उसकी मान्यता सिर्फ TMC के अंदर है, ममता दीदी उसको मानती है, लेकिन उसके अलावा उसकी कोई मान्यता है ही नहीं, उसके बावजूद भी वो परीक्षा कराती है, लोगों से पैसा वसूलती है, वहाँ भ्रष्टाचार होता है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, जबकि GTA को इस तरह की कोई अनुमति पश्चिम बंगाल सरकार जो है प्रदान नहीं करती, उसके बावजूद भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। मैंने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए कल ही जो है CBI के डायरेक्टर और साथ ही पश्चिम बंगाल के हमारे गवर्नर साहब को पत्र लिखा है, और मैं बहुत जल्द जो है CBI के डायरेक्टर से पर्सनली भी मिलूंगा, और जो घोटालों में लिप्त है उनके नाम भी मेरे पास है, और सारे सबूत मैं उनको अपने हाथों से दूंगा, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इसकी जांच हो और भविष्य में ऐसी घटना न घटे, ये हम सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, उन तमाम 14,000 से ज़्यादा युवा युवतियाँ जिनके साथ धोखा हुआ है, जिनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप सब लोग कृपया करके थाने में जाके एक एक FIR दाखिल करिए, और आगे जो है लीगल बैटल के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जो भी खर्चा होगा
राजू बिष्ट अपने जेब से आपका खर्चा भरेगा, आपका केस लड़ेगा, आपके लिए एडवोकेट खड़ा करेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह का धोखा युवाओं के साथ भविष्य में न हो, इसलिए आप कृपया जा करके थाने में FIR जरूर दाखिल करें। धर्मेंद्र प्रसाद जी को आप सूचित किया है इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को? देखिए ये उनका विषय नहीं है, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित किया है कि पश्चिम बंगाल के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, मैंने उनको पत्र जरूर लिखा है, मैंने उनसे कहा है आप इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी करिए, अगर आप ईमानदार हैं और जो GTA में फर्जीवाड़ा हुआ है ये आपके अधीन आता है, इसलिए आप इसकी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जांच कराएं, मैंने उनसे निवेदन किया है। कुछ लोकल सवाल है ऐसा है, मैं उस दिन NHAI को भी बुलाया था, PWD के उनको कर्मचारियों को भी अधिकारियों को भी बुलाया था, तो वो कुछ बंद करके कुछ रुका हुआ है क्योंकि पैसा उसमें ज्यादा लगा, कॉन्ट्रेक्टर को जितना पैसा मिला था उतना ही काम करके छोड़ दिया है, तो उस काम को पूरा जो है PWD और NHAI मिलके करेगा। ये तमाम रोड जो NHAI के हैं वो PWD के पास है, जिम्मेदारी उनकी वो करते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं सुनिश्चित करूँगा कि वो काम हो जाए। प्रमोद नगर का रेल गेट जो समस्या उत्पन्न हुआ है वो बंद कर देने के कारण दबदुबरा के। देखिए ऐसे अभी वहीं के गांव के लोग मेरे से मिले और ऐसे तमाम जगह पे, मैं पीछे भी फांसीदेवा में एक जगह गया था, वहाँ पे भी यही 6-7 गांव जो है रेलवे की वजह से गांव कटे हुए हैं, बहुत दूर तक घूम के जाना पड़ता है, तो ऐसी तमाम चीजें मेरे पास आती, मैं करता रहता हूँ। और आप निश्चिंत रहिए, मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, दार्जिलिंग का ये सौभाग्य है कि दार्जिलिंग में सबसे अधिक केंद्र सरकार की योजनाएं पर काम चल रहा है, आने वाले समय में ये और बढ़ता रहेगा और तेजी के साथ होगा। बागडोगरा का जो फ्लाईओवर का बिजली है, जो एशियन हाईवे का है, वो हमारी तरफ से यानी PWD ने NHAI को दे दिया है, पूरे पश्चिम बंगाल से 8 जगह से ये उनके पास ऑर्डर आना है, अभी 7 जगह का पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं भेजा, मैंने NHAI से स्वयं बात किया, आप सिर्फ बागडोगरा का और दार्जिलिंग का नक्सलबाड़ी का कर दो, लेकिन क्योंकि वो छोटा छोटा बजट होता है, मिनिस्ट्री लेवल तक जाने में उनको दिक्कत होती है, तो थोड़ा समय उसमें लग रहा है लगेगा, क्या आगे नहीं होगा? मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता, मैं एक सप्ताह पहले भी मैंने NHAI में बात किया था कि आप कृपया करके बाकी 7 को छोड़ के इतना ही कर दे, उन्होंने मुझे यही कहा, मैं देखता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब तक होगा, लेकिन ये जरूर है कि वो NHAI अपने पैसे से, भारत सरकार अपने पैसे से वो काम करवा रही है। A complete IT and security surveillance solution, from high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रेवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123।